चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ओके, तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन के अंदर में क्या खास है, इस वीडियो में क्या स्पेशल है इस क्वेश्चन के अंदर, अभी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर से आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का अगर वेटेज आप मुझे पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको कि ये 3 मार्क के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अपनी स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है देखते हैं। अ कंपनी इशूड 15,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं लग रहा है, 15,000 शेयर्स कंपनी ने बेचे और इस बार शेयर है 100 रुपये का। यूजुअली हमने 10 रुपये के शेयर को देख रहे होते हैं, यहाँ पे शेयर 100 रुपये का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद लिखा उसने फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी। आपने जो शेयर इशू किए वो किस चीज़ के लिए, तो नीचे दी हुई असेट्स एंड लाइबिलिटी को खरीदने के लिए। ओके दोस्तों, आपने क्या क्या खरीदा जरा वो देख लेते हैं। आपने देखिए क्या बोला उसने, फॉर द परचेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब भी दोस्तों याद रखिएगा कि कभी उन्होंने बोला कि आपने असेट्स खरीदी है और आपने लाइबिलिटीज खरीदी है, तो समझ जाना कि आपने किसी का बिजनेस खरीदा हुआ, चलता हुआ बिजनेस, यानी उसके बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी जो लाइबिलिटीज होगी वो आपने परचेस कर ली है। और जैसे ही ये टर्म आ गया तो हमेशा याद रखिए कि उसकी नेट बिजनेस वैल्यू को कैलकुलेट करिए। नेट बिजनेस वैल्यू मतलब होता है असेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी किसी पर्सन से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी में से कितना देना है वो निकाल दीजिए, रिमाइंडर अमाउंट जो रहेगा बैलेंस अमाउंट वो आपका कैपिटल कहलाएगा। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं कि आपने क्या क्या परचेस किया। तो आपने यहाँ पे प्लांट खरीदा हुआ है, आपने यहाँ स्टॉक खरीदा हुआ है। ओके, तो 2 असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, मतलब 3 असेट हो गई। तो आपने ओवरऑल 3 असेट्स लिए और आपने फिर एक क्रेडिटर्स को भी लिया हुआ है, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज। तो क्रेडिटर्स दोस्तों क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये आपका लाइबिलिटी है और बाकी आपका एसेट है, मतलब 3 असेट्स और एक आपने लाइबिलिटी ले रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे फिगर को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जैसे मैं स्लाइड चेंज करूँगा तो मुझे फिगर्स रिक्वायर्ड रहेंगे एंट्री करने के लिए। तो प्लांट है 3.5 लाख का, स्टॉक है 4.5 लाख का और लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख का और अपनी लाइबिलिटी 1 लाख की है। ओके, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये असेट्स एंड लाइबिलिटी खरीद के शेयर इशू किए और भी कितने शेयर इशू किए, 15,000 शेयर, क्लैरिफाइड डिफाइंड कि यहाँ पे आपने 15,000 शेयर इशू करे हैं। तो बात यही खत्म हो गई कि आप सामने वाली कंपनी को 15,000 शेयर ही देने वाले हो। ओके, 15,000 शेयर इंटू 100 करते हैं तो कितना होता है, 15 लाख रुपीज, मतलब आप उस कंपनी को 15 लाख रुपीज में डन कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आपने को कंपाइलेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, कितने की असेट्स और लाइबिलिटी आपने मतलब नेट अमाउंट में लिया और कितना पेमेंट आपने उसको दिया। ओके चलो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम फिगर हम लर्न कर लेते हैं, प्लांट है इतना और 3.5 लाख का, स्टॉक है 4.5 का और 6 लाख का है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले नेट असेट निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ओके, नेट असेट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को असेट्स की टोटल करनी पड़ेगी। तो आपको याद है आपको पहला प्लांट आपने लिया था उस 3.5 लाख का है। ओके, नहीं बता रहे देख लेंगे वापस जाके। स्टॉक आपका 4.5 लाख का था और समथिंग बिल्डिंग आपकी कितने की थी, बिल्डिंग आपकी थी दोस्तों यहाँ पे 6 लाख की। ओके, 6 लाख की आपकी बिल्डिंग थी। तो उस हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो ओवरऑल आपने असेट्स कितने में लिया है, राइट? तो ये हो जाता है आपका 8 लाख और 14 लाख हो जाता है, मतलब 6 लाख मिला दिया तो 14 हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल 14 लाख का आपने असेट्स खरीदा हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 3.5 लाख प्लस 4.5 लाख मतलब होता है दोस्तों 8 लाख्स और फिर ये 6 लाख, तो 14 लाख का ओवरऑल असेट हो जाता है। और आपकी लाइबिलिटी कितनी की थी, तो ये भी आपके पास डिफाइंड है कि आपकी लाइबिलिटी 1 लाख की थी, आपने क्रेडिटर्स 1 लाख के खरीदे थे, तो आपकी लाइबिलिटी ओवरऑल 1 लाख की है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास असेट आ जाए और लाइबिलिटी आ जाए तो एक बार एक नेट कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि आपके पास नेट असेट कितने की आई। नेट क्यों, क्योंकि आपने उस बिजनेस को कितने में एग्जैक्ट खरीद लिया, तो 14 लाख का असेट तो आपको मिला लेकिन आपको उसमें से 1 लाख पे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी में आ गया। तो मतलब ओवरऑल 13 लाख का बिजनेस आपने खरीदा है, ऐसा इसका मीनिंग होता है, दैट इज अ नेट बिजनेस वैल्यू। दोस्तों अब आपने जो 13 लाख में खरीदा, लेकिन आपने देखा होगा कि पेमेंट तो आपने 15 लाख करा हुआ है, मतलब आपका पेमेंट तो ज़्यादा है। ओके, ये कैसे हुआ,
तो हो सकता है बिजनेस लाइन में, क्योंकि अगर वो बिजनेस रेप्यूटेड है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पेमेंट भी उसको दे सकते हो। तो आपने यहाँ पे 15 लाख का पेमेंट दिया, तो इससे क्या हमारे अकाउंटिंग में कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली कम पेमेंट करने से भी फर्क पड़ता है और ज़्यादा करने से भी, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट करना इसको हमारे अकाउंट में गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट माना जाता है, यानी कि उसके रेपुटेशन के अगेंस्ट हम उसको 2 लाख रुपये एडिशनल देंगे। और कम पेमेंट करना मतलब अपना बेनिफिट माना जाता है, अगर 13 लाख से कम हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा बेनिफिट है जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों ये दो चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ट्रांजिशन रिकॉर्ड होने जा रहा है और अभी हम उसको करेंगे, ठीक है। अब इसकी एंट्री सिखा दो, ये तो वर्किंग नोट था, हमेशा याद रखिए टॉपर बच्चे हो, टॉपर बनना चाहते हो तो वर्किंग नोट लिखना ना भूले, वर्किंग नोट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर आंसर, ओके। नाउ अभी हम पहली एंट्री करना सीखते हैं कि एंट्री करेंगे कैसे। नंबर वन, जो जो असेट आपने खरीदा है पहले उसको आप लिख लो, मतलब कि पहली एंट्री जो होती है वो आपकी होगी बिजनेस खरीदने की, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने की, ओके। फिर हम लोग लास्ट एंट्री नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या लिया था तो वो सारी चीज़ें आपको याद होगी, नहीं याद है तो हम लोग देख लेते क्या क्या लिया था। हमने लिया था यहाँ पर, हमने लिया था प्लांट स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर। तो यहाँ पे आते वापस से, पहली एंट्री करते हैं हम लोग प्लांट अकाउंट डेबिट, ये हमने 3.5 लाख से खरीदा था, ठीक है। फिर हमने स्टॉक खरीदा था, स्टॉक अकाउंट डेबिट, हमने स्टॉक 4,50,000 से खरीदा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या खरीदा था, लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग लिख देते शॉर्टकट में बिल्डिंग, ओके दोस्तों बिल्डिंग हमने खरीदा था, ओके 6 लाख, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है हल्की हल्की, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी थी, ओके। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हमने जो चीज़ खरीदी थी दैट इज़ क्रेडिटर, आपको याद आ रहा होगा। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इस वजह से क्रेडिट होगा, क्योंकि यू शुड नो क्यू, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज गोज क्रेडिट। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरऑल 1 लाख रुपीज़ से मैंने यहाँ क्रेडिट लिख दिया, ओके। अभी आपने कंफर्म किया था कि आपने 13 लाख की एसेट खरीदे थे, 13 लाख कैसे हुए थे फिर से एक बार बता दूँ आपको, ये होता है 8 लाख 1, 2, 8 लाख एंड देन 6 लाख, तो 8 एंड 16 14 लाख हो जाता है, सॉरी 214 लाख हो जाता है, और आपने लाइबिलिटी 1 लाख रुपये की ली थी तो 14 में से 1 गया तो 13 लाख हो जाता है, तो ओवरऑल बिजनेस 13 लाख का है। आपने क्या किया, आपने उनको प्रॉमिस किया राइट है कि हम आपको 15 लाख देंगे, कैसे, 15,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़, तो 15 लाख आप देंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, जो भी नाम है उनका, वेंडर है शायद, गुप्ता नाम था लेकिन जाने दो, अभी हम लोग पहले वेंडर ही लिख देते हैं, आज वेंडर के नाम से मेंशन करते, कोई इशू नहीं है। तो वेंडर को आपने कमिटमेंट कितने की दिया था, 15 लाख की, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्रेडिट 15 लाख, क्योंकि कमिटमेंट जो है वो तो क्रेडिट होगा, क्योंकि आप उनको पेमेंट 15 से ही करोगे, चाहे उसका बिजनेस कम का हो या फिर आप ज़्यादा का बिजनेस हो। तो दोस्तों अभी एक चीज़ तो यहाँ क्लैरिफाई हो चुकी है कि आपने नेट वैल्यूएशन जब करे थे इसको मिला के, तो वो था नेट वैल्यूएशन 13 लाख का, जो मैंने आपको वर्किंग नोट में समझाया था, और आप पेमेंट दे रहे हो 15 लाख का, वेंडर को पेमेंट करना है, दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू, दैट्स वाई वी हैव क्रेडिटेड हियर, एंड दैट इज़ द 15 लाख यू नीड टू पे। तो फिर अभी 2 लाख रुपये जो आप ज़्यादा दे रहे हो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है ओवरऑल आपका 14 लाख और ये हो रहा है आपका 16 लाख, क्रेडिट हो रहा है 16 लाख, डेबिट हो रहा है 14 लाख। तो दोस्तों आपने अकाउंट तो सीखा ही होगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो डेबिट 14 लाख है तो क्रेडिट 16 लाख है, तो 2 लाख रुपए डेबिट में शॉर्ट है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप एडिशनल 2 लाख रुपए दे रहे हो सामने वाली कंपनी को, तो दैट इज ओनली अगेंस्ट गुडविल, उसको हम गुडविल के अगेंस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल यानी असेट होती है, हमारे लिए भी असेट है, क्योंकि हम भले एडिशनल दे रहे हैं लेकिन हमारे बिजनेस में वैल्यूएशन वैल्यू क्रिएट हो रही है, असेट क्रिएट हो रही है, तो दैट इज दैट एक्सपेंडिचर वी नीड टू शो बाय द गुडविल एक्सपेंडिचर, दैट इज asset, that is kind of a expenditure we done, that is of capital nature, so we need to show in the balance sheet that goodwill into business, okay। तो entry में कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, मैं आपको entry में भी उसको highlight कर देता हूँ, goodwill हम कैसे दिखाएंगे check करते हैं।
तो यहाँ पे आएंगे, जगह जहाँ स्पेस हमने छोड़ के रखी थी वहाँ पे हम गुडविल को लिखेंगे डेबिट, ऐसे दिखाएंगे उसको यहाँ पे डेबिट। ओके, तो डेबिट दिखाएंगे और वो अमाउंट दिखाएंगे 2 लाख रुपीज से ओवरऑल। इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएंगी दोस्तों। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंट्री को इस तरीके से लिखेंगे तो उसके लिए तुमको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। थोड़े से एफर्ट तो दोस्तों अकाउंट में लेनी है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है अकाउंट जितना नहीं समझे, ठीक है। अब ये एंट्री को शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। आपने प्लांट खरीदा, डेबिट किया, आपने स्टॉक खरीदा, डेबिट किया, आपने बिल्डिंग खरीदा, डेबिट किया, आपने क्रेडिटर लिया, क्रेडिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी थी, आपने वेंडर के नाम से 15 लाख क्रेडिट कर दी बिकॉज इट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, असेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी दैट असेट्स आर डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब इस एंट्री में डिफरेंस था, डेबिट में 2 लाख शॉर्ट थे इसलिए मैंने डेबिट में 2 लाख रुपए लिख दिए गुडविल के नाम से, बाय द नेम ऑफ गुडविल। क्रेडिट में अगर शॉर्ट होते तो मैं रिकॉर्ड करता उसको बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों ये इस तरीके से एंट्री बनी। ओके, अब क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नो। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो वेंडर आपने क्रेडिट कर रखा हुआ है उसको अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट? वेंडर को क्रेडिट करना है आपको, मतलब वेंडर को आपको पेमेंट देना है। तो दोस्तों पेमेंट के लिए भी आपको एंट्री तो करनी है, ठीक है। तो एंट्री देखते भी हम लोग क्या करेंगे, राइट? चलो पेमेंट की एंट्री में आपको सिखाता हूँ, वेंडर को पेमेंट देना है। तो वेंडर अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, कोई इशू नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वेंडर को डेबिट करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू पे द वेंडर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना पे करेंगे दोस्तों? जितना हमने क्रेडिट कर रखा था 15 लाख रुपीस। अच्छा, इसको हम लोग क्या फॉर्म में पे कर रहे थे? शेयर्स के फॉर्म में, दैट इज इन शेयर कैपिटल। और यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करूँगा। ओके दोस्तों, स्क्रीन मिसमैच हो जाती है। ओके, तो शेयर कैपिटल मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा 15 लाख से ओवरऑल 15 लाख। तो दोस्तों आप अभी समझ सकते हो मेरे क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। ओके, तो वेंडर डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया 15 लाख से। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने उसको पैसा, मतलब उनने हमको बिजनेस दिया 15 लाख का, तो वो हमारे लिए एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि वो उसको हमने अभी शेयर सर्टिफिकेट दिए तो वो हमारा ओनर भी हुआ है। ओके, तो ओनर इज अ गिवर ऑफ द असेट्स, ओनर इज अ गिवर ऑफ द लाइबिलिटी, दैट्स वाई वी नीड टू क्रेडिट हिज अकाउंट। अब उसके अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा एंड द कैपिटल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू द ओनर। तो ओनर इज क्रेडिटेड हियर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल 15 लाख रुपीज। आई होप कि आपको ये चीज समझ गई होगी, ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एंट्री समझ गई होगी, ट्रांजेक्शन समझ गए होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ बेहतर वीडियो के लिए, इससे भी सुपर्ब वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा और कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो रही है तो लेट मी नो अबाउट दैट थिंग, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। दैट विल बी अ गुड फीडबैक फॉर मी टू इम्प्रूव द वीडियो। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द राजेश सर।